हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आए मैं आप लोगों के लिए एक हाइपरवाइज बैटमैन सेटअप लेकर आ गए हूँ, जो कि कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल विजेट को मैंने यूज किया है, साथ में कुछ इस टाइप के आइकॉन्स को यूज किया है। जो वॉलपेपर है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट वॉलपेपर मिल जाता है, साथ में जो विजेट है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस सेटअप को अपने हाइपरवाइज डिवाइस में सेट कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो इस सेटअप के लिए सबसे पहले हमें दो थीम्स डाउनलोड करना है। फर्स्ट थीम है कलर्ड टाइल्स अंडरस्कोर बी पिटवीन बाई डिजाइनर अमजद अली, इसे आपको डाउनलोड करना है और इसे हम यूज करने वाले हैं होम स्क्रीन विजेट के लिए। तो यहाँ पर होम स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और इस थीम को अप्लाई करना है। सेकंड थीम है सिंपल लाइन कैड, जिसे हम आइकॉन्स के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें आइकॉन्स को सिलेक्ट करना है और इस थीम को भी अप्लाई करना है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर होम स्क्रीन पे, देन यहाँ पर हमें ऐप्स को रिप्लेस करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐप को प्लेस करना है, उसके बाद उसके ऊपर दो ऐप्स को इस तरह से प्लेस करना है, देन उसके ऊपर थ्री ऐप्स को इस तरह से प्लेस करना है। तो आप देख सकते हो मैंने आइकॉन्स को प्लेस कर लिया है, बट यहाँ पर आइकॉन्स की नेम शो हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हाइपरवाइज में एक ऑप्शन आता है, इसके लिए हमें यहाँ पर पिंच करना है, देन सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डोंट शो टेक्स्ट, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर इसे एनी वेयर पर सिलेक्ट करना है, जिससे यहाँ पर जो आइकॉन्स लेवल्स होंगे वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे। अब हमें वॉलपेपर को अप्लाई करना है। यहाँ पर जो वॉलपेपर हम यूज करेंगे, इसे मैंने डाउनलोड किया है wallpapersclan.com से, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इसे हमें कुछ इस तरीके से होम स्क्रीन पर सेट करना है। तो वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो चुका है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। तो लॉक स्क्रीन को सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ पर नीचे जाना है मैगजीन सेक्शन पे, और यहाँ पर जो विजेट है इसके ऊपर यहाँ पर कस्टमाइज के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर पर टैप करना है, देन लोकल फोटोज पे, देन यहाँ पर जो वॉलपेपर मैंने यूज किया है उसे मैंने सेम वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो क्लॉक विजेट है उसकी कलर को चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पर विजेट के ऊपर टैप करना है, देन जाना है कलर ऑप्शन पे, और आप यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में यहाँ पर ग्रे कलर अप्लाई करूँगा और कुछ में यहाँ पर डार्क कलर, जिससे एक अच्छा लुक मिलेगा लॉक स्क्रीन को। देन यहाँ पर इसे इस तरह से अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो लॉक स्क्रीन है वो रेडी हो चुका है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है।